मिलिए हस्बैंड जी से। गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग। तभी से हम दोनों बस इस पार्क के चारों चक्कर लगा रहे हैं। लंच के लिए हम सब्जी दे दिए, सैलेड दे दिए, बस रोटी पैक करना बाकी है। और यहाँ हमारे नाश्ता के लिए निकल गया है। इतना छोटा सा केक है, इससे ज्यादा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह के 6:30 बज रही है और मेरी दिन की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले लग रही है हमारे रूम में झाड़ू। तो सुबह सुबह बाहर का नज़ारा देखिए, मौसम बहुत अच्छा है। पहले जैसी अब ठंड रही नहीं, अब धीरे धीरे ठंड कम हो गई है। और ये हमारे बालकनी से, हमारा रूम थर्ड फ्लोर पे है इसीलिए बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखता है यहाँ से। तो बिना फ्रिज का दूध रखना है तो उसे सुबह उठते ही गर्म कर दीजिएगा। रात में अगर उबाल करके आप दूध रखें, आपके पास फ्रिज नहीं है, तो उसे सुबह उठते ही गर्म कर दीजिए, इससे दूध खराब नहीं होगा। और यहाँ बन रही है चाय हस्बैंड जी के लिए। जब तक बन रही है चाय, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है और हस्बैंड जी से लंच में भी देना है, तो आज बनाएंगे हम इसी का सब्जी। तो इसे हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं पे नीनुआ बोलते हैं, कहीं पे घेरा बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं, तो बहुत सारे नाम मैं इनकी सुनी हूँ। तो जब तक हस्बैंड जी चाय पी रहे हैं तब तक कट रही है यहाँ मेरी सब्जी, और हम कट करके बस रख देते हैं, इसको बनाएंगे नहीं, आएंगे तो बनाएंगे। बाहर पहले चलते हैं, पार्क घूमते हैं अभी, क्योंकि बहुत टाइम है, 9 बजे ऑफिस जाएंगे, तब तक तो बन जाएगी। तो ये मिलिए हस्बैंड जी से। गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह ये चाय पी रहे हैं, फिर हम दोनों साथ में अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा सा घूमते हैं, क्योंकि ये चले जाएंगे ऑफिस एक ही बार, रात में आते हैं, तब तक मैं पूरे दिन रूम पे अकेले रहती हूँ। बस वो हम आ गए बाहर, और बाहर में चिड़िया सब बोल रही है। अभी तो कई सारे लोग सोए भी होंगे, बहुत सारे उठ के अपने अपने काम पे चले गए हैं, और हम लोग भी जा रहे हैं काम पे ही। तो अभी तो बहुत सारा टाइम है, तब तक हम आ जाएंगे घूम करके बाहर से, फिर बनाएंगे लंच। और चलिए कौन से पार्क जाते हैं आप लोग को भी दिखाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों को लेने के लिए स्कूल बस भी आ गई। पहुँच गए हम पार्क, हम दोनों यहाँ पे थोड़ा देर घूमते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे रूम। तो सुबह सुबह घूमने से बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप स्वास्थ्य पे ही ध्यान देते रहते हैं। ध्यान देना चाहिए सब सभी लोगों को। तभी से हम दोनों बस इस पार्क के चारों चक्कर लगा रहे हैं। अब मेरा पैर दुख गया, अब हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो थोड़ी देर बैठने के बाद अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जूस पीने के लिए। हाँ, हम ले लिए नारियल और चलते हैं अब रूम। तो मैं आ गई अपने रूम और बन रही है मेरी सब्जी। मैं सब्जी बनने के लिए दे दी क्योंकि कट करके मैं गई थी, और यहाँ रोटी के लिए हम आटा भी गूंद के रख लिए हैं। तो अभी तो काफ़ी सारा टाइम है हमारे पास, और साथ में मैं यहाँ तब तक नारियल फोड़ के रखती हूँ, लेकिन ये मेरे से ख़त्म नहीं होगा, शाम तक देखते हैं। हस्बैंड जी के आने से पहले मुझे इसे ख़त्म करना पड़ेगा। वैसे हेल्दी चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, बाकी बाहर का सब कुछ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो बेबी के लिए सारा चीज़ मुझे मना कर दिया गया है। मैं बाहर जाती हूँ तो ना पानी पूरी खाती हूँ, कुछ भी नहीं बोलते, 2 महीना और नहीं। मैं आ गई नहा करके, और नहाने के बाद ये धूप कितना प्यारा लगते रहता है, मन करता है यहीं बैठे रहे। तो मैं तो नहा ली, हस्बैंड जी नहा रहे हैं, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट निकालते हैं, फिर साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आ गई मैं किचन, अभी ब्रेकफास्ट हम अपना निकाल लेते हैं, हम दोनों करेंगे, और साथ में लंच भी पैक कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं काट रही हूँ अभी सैलेड, और ये हमारे सैलेड में ग्रीन रेड रेड बस रहता है। सब्जी दे दिए, सैलेड दे दिए, बस रोटी पैक करना बाकी है। और यहाँ हमारे नाश्ता के लिए निकल गया है ये लाल लाल सलाद और ग्रीन ग्रीन सब्जी रोटी, और हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर हस्बैंड जी ऑफिस निकल जाएंगे और मैं रह जाऊँगी अकेले रूम पे। रेडी हो गए हस्बैंड जी ऑफिस जाने के लिए, और ये निकल रहे हैं ऑफिस। मैं मुझे रहना है पूरा दिन अकेले रूम पे, जल्दी आना है। बिल्कुल ठीक है। ये वापस आ गए ये अपने ऑफिस से, कितना टाइम हो गया है,
8 बजे आए हैं, तब तक 8 बजे तक मैं थी अकेले, मैं बहुत मिस कर रही थी। क्या सब लेके आए हैं, ये इतना सारा सामान आज बस लेके आए हैं। अब ये फ्रेश होंगे, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे थोड़ी देर में, चॉकलेट। तो हमारे लिए लेके आए हैं ये चॉकलेट, आज मेरा मीठा खाने का मन कर रहा था, हम दोनों अभी खा रहे हैं चॉकलेट। और क्या लेके आए हैं मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ देखिए, इतना छोटा सा केक है, इससे ज़्यादा नहीं है। आज केक खाने का हमारा मन कर रहा था तो लेके आए हैं, और इतना ही में हम दोनों अभी खा लेंगे, किसी का बर्थडे नहीं है जो बड़ा सा केक आता है। हमारा डिनर बन गया यहाँ पे, और अब मैं जा रही हूँ लेकर के, मैं और हस्बैंड जी बैठ के पहले डिनर करेंगे। और इनका चल रहा है न्यूज़, ये मोदी जी के लेक्चर सुन रहे हैं। हो गया हमारा डिनर, और अभी रात के 10 बजने वाली है, अब हम सोएंगे क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना है, हस्बैंड जी को ऑफिस जाना पड़ेगा, तो उनके लिए तो लंच भी बनाना है। तो आप सभी को आज का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और डेली ब्लॉग देखना चाहते हैं तो कामनी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।